किसान भाइयों, ये आधुनिक युग है और इसमें बेबी कॉर्न की मांग काफी बढ़ी है। बेबी कॉर्न वस्तुतः मक्के परिवार का ही सदस्य है, जिसे आम भाषा में मक्का या भुट्टा कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही मुलायम और सौम्य होता है। इन दिनों इसका उपयोग चाइनीज व्यंजन, पिज्जा, सूप, समोसे तथा सलाद आदि में धड़ल्ले से किया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक होता है। इसमें मौजूद रेशे भोजन पचाने में काफी मददगार होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन बी तथा फोलिक एसिड की मात्रा भी काफी अधिक होती है, जो हमें एनीमिया जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। बेबी कॉर्न का उपयोग के लिए आप जो है जितना आप ये जो चाइनीज आइटम है उसमें यूज कर सकते हैं, या जो है आप जो पिज्जा है या उसका आप जो है सूप बना सकते हैं, समोसे में भी डाल सकते हैं, उसका जो है पकौड़ा बना सकते हैं। उसको डिफरेंट साइज में कटिंग की जाती है, गोल साइज में या जो है लंबी स्लाइसेस के रूप में या तिरछा स्लाइसेस के रूप में काटा जाता है। उसको सलाद के रूप में भी बढ़िया ढंग से यूज करते हैं। तो आप जितने तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं घर में खाने के लिए, सब में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। क्योंकि फ़ायदे में ये है, पहला चीज़ है कि इसमें रेशे ज़्यादा हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है। दूसरा फायदा इसमें है कि विटामिन्स भी रहता है और मिनरल्स इसमें रहते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए है। इसमें जो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें प्रोटीन का एमिनो एसिड के रूप में भी रहता है। साथ साथ आँख का जो है जो रोशनी बढ़ाने के लिए भी कुछ इसमें कंपाउंड्स रहते हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए है। तीसरा, जो आदमी ये कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए भी उपयोगी है। लोगों की इसकी जागरूकता की जानकारी कम है, इसलिए आदमी मार्केट में देखता तो है लेकिन वो सोचते हैं कि क्या चीज़ है खाने का। तो खाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा कि आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। आप जो पनीर बना रहे हैं वहाँ पर भी इसकी स्लाइसेस काट करके बढ़िया ढंग से पनीर में यूज कर सकते हैं। आप कोफ्ता बना सकते हैं। तमाम तरह से इसका उपयोग है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। अतः इससे जुड़ने वाले किसान एक वर्ष में इसकी 4 फसल ले सकते हैं। इसका उत्पादन 1 एकड़ भूमि से 6 से 8 क्विंटल तक प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, इसका नया चीज़ है स्वीट कॉर्न। तो लोग धीरे धीरे परिचित हो गया, लेकिन बेबी कॉर्न में धीरे धीरे लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। किसान भाई, जो बेबी कॉर्न है यह जो है हमारे लिए मूल्य संवर्धन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, कि मक्के में तो उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, लेकिन जो है बेबी कॉर्न यह जो है हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। और इसका तोड़ाई का उचित समय रहता है, लगभग 50 से 55 दिन पर इसकी तोड़ाई की जाती है, जिसमें उसमें मूछे जो है आने शुरू होते हैं। जैसे आज आया है, 24 घंटे के अंदर में है, उसको तोड़ाई करने की कोशिश करना चाहिए। जिसका साइज लगभग जो है आपका 15 सेंटीमीटर हाइट का जाए तो 10 से 15 अच्छा क्वालिटी माना जाता है, उसको तुरंत जो है तोड़ाई के लिए उपयोगी रहता है।